हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड। कमाल का है चश्मा तो यार, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भाई कभी कभी पहनना पड़ता है भाई। ब्लू लाइट तो सभी जगह है, तो इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप चेकआउट करो ना। आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई बहुत ही बढ़िया चश्मा है, गेमर्स के लिए भाई बहुत ही बढ़िया। तो भाई हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू वीडियो, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मीवी रोम 2 और मीवी प्ले ब्लूटूथ स्पीकर का मैं ऑनेस्ट कंपेरिजन करने जा रहा हूँ। तो मीवी रोम 2 का यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इस तारीख को मैंने परचेस किया था, और मीवी प्ले का इस तारीख को मैंने परचेस किया था। तो भाई बहुत ही मैंने तगड़ा यूज़ किया इसका, मैंने वाटर टेस्ट भी किया हुआ है और इसका भी मैंने रिव्यू किया है। दोनों का मैंने कम्प्लीटली रिव्यू कर दिया है। तो दोनों भाई मैंने ऑनेस्टली फुल प्रूफ मतलब दबा दबा के इसको मैंने दोनों को यूज़ किया हुआ है। और चलिए भाई नज़दीक से देखते हैं भाई कौन से फैसिलिटीज़ इसमें है। भाई मीवी प्ले में सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि इसमें 1000 mAh की बैटरी आती है, और मैक्सिमम ये 12 आवर्स तक ये भाई मक्खन तरीके से चल जाएगा मिड वॉल्यूम पे। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 वोल्ट का ब्लूटूथ स्पीकर है और ब्लूटूथ 5.0 में ये काम करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई इसकी जो प्राइस है वो 799 है, और ये वाटर प्रूफ नहीं है, थोड़ा सा पानी वानी गिर जाए तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और भाई मेन बात आती है भाई रोम मीवी रोम 2 की, जो भाई आपने देख लिया होगा मेरा स्क्रीनशॉट, मैंने कब लिया था इसको, 2020 में इसको लिया था। और इसकी बारे में बात करें गए तो भाई इसमें 2000 mAh की इसमें बैटरी आती है, और 24 घंटे मिड वॉल्यूम पर ये नॉन स्टॉप चल जाएगा। और दोनों में भाई 5 वोल्ट के स्पीकर ही आते हैं, और ब्लूटूथ 5.0 आता है, और ये आता है वाटरप्रूफ। मैंने इसका वीडियो जो है वो पहले डाल दिया है, भर भर के वाटर टेस्ट किया था मैंने, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आया, कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। और इसकी प्राइस है 999। बैटरी के हिसाब से बोलूँ तो भाई ये थोड़ा सा कम चलता है, और ये 24 घंटे तक मैक्सिमम मिड वॉल्यूम पर चल जाता है। तो इसके यहाँ पर आप पोर्ट्स देख सकते हैं, माइक्रो USB पोर्ट है एक, और 3.5 mm जैक है, और यहाँ पर है माइक, नीचे भी रबर फिनिश है, फिसलता नहीं है। और ऊपर आप देख सकते हैं 4 स्विच दी गई, ऑन ऑफ के लिए, प्ले पॉज के लिए, माइनस और प्लस। और इसकी बारे में बात करते हैं मीवी प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर है, एक माइक का जो है पोर्ट है, और यहाँ पे माइनस एंड प्लस की जो स्विच है। और यहाँ पे भाई वो पोर्ट देख लेते हैं कि भाई कौन से पोर्ट आप दिए गए। यहाँ पे भी 3.5 mm जैक है और माइक्रो USB पोर्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई पावर ऑन ऑफ और प्ले पॉज़ के लिए बटन दिया गया, और बाकी सब कुछ इसमें बढ़िया है। और नीचे भी रबर फिनिश दी गई है, तो ये हिलेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, दोनों सेम ही सेम है। और दोनों में अभी मैं मेन बात करता हूँ कि भाई दोनों में से कौन सा बेस्ट है। भाई अगर आपको साउंड के लिए लेना है, थोड़ा सा नज़दीक से आपको सुनना है, थोड़ी सी रिचनेस बेस आपको ज़्यादा चाहिए, तो भाई आप ये ले लो। बट इसमें बैटरी लाइफ कम है, और अगर आपको लाउडनेस चाहिए, बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए, तो भाई मीवी रोम 2 आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट दोनों के दोनों भाई ओवरऑल बोलूँ तो भाई सेम ही है, थोड़ा सा बैटरी में फ़र्क है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बैटरी में फ़र्क है। इसमें 2000 mAh की बैटरी है, और इसमें है भाई 1000 mAh की बैटरी, तो 50% ये कम चलेगा और 50% ये ज़्यादा चलेगा। और दोनों में प्राइस डिफरेंस तो भाई ये जो है वो 1000 रुपये में आपको मिल जाता है, और ये है 800 रुपये में, 200 रुपीज़ का भाई दोनों में फ़र्क है। और ये है वाटर प्रूफ, और ये है स्प्लैश प्रूफ, मतलब कम्प्लीटली वाटर प्रूफ नहीं है। अभी भाई आपके हाथ में है भाई कौन सा आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है। दोनों के दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, कोई भी वो उसमें प्रॉब्लम अभी तक मुझे नहीं आया है। तो भाई चलिए, कोई इसके बारे में सवाल हो तो भाई बिना झिझक के भाई कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछना हो तो। अभी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक डाल दी है, वहाँ से आप आसानी से चेकआउट कर ले। ओके, उसी का ये ग्लासेस जो है भाई एकदम मस्त तरीके से भाई चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर
कोई भी ग्लासेस उसके ऊपर आप फिट कर सकते हैं। और भाई गेमिंग करिए, कंप्यूटर पे बैठिए या कोई भी बाहर पे जाइए, आपको ब्लू लाइट तंग नहीं करेगी और आपके आँख में नुकसान नहीं होगा। तो इसकी भी लिंक मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना भाई। चलिए अगले वीडियो तक, जय हिंद, वंदे मातरम।